शुक्रवार को थाना सिकंदरा क्षेत्र में किशोरी बदहवास हालत में मिली थी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक किशोरी बदहवास हालत में मिली थी। किशोरी रुनकुता मागरा रोड पर बदहवास हालत में मिली थी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में किशोरी से जानकारी हासिल की। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। तहरीर और सर्विलांस की टीम के माध्यम से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गणेश को गिरफ्तार किया गया और संतोष को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही थाना करावली क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सिकंदरा में कल एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। सर्विलांस और परिवारजनों के बयानों के आधार पर दोनों मुजरिम जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है गणेश पुत्र राधारमन और संतोष पुत्र गौरी शंकर। दोनों किरावली थाना के रहने वाले हैं और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन तथा साथ में जिस मोटरसाइकिल से वो लोग आए थे वो मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर लिया है और इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक किशोरी बेहद गंभीर हालत में थी। किशोरी के सिर पर पत्थर मारा गया था। इसके अलावा गला भी दबाने की कोशिश की गई थी। मिनट समझकर किशोरी को युवक छोड़कर भाग गए थे। किशोरी घिसटती हुई सड़क किनारे पहुंची जिससे किशोरी की जान बच गई। शुक्रवार को थाना सिकंदरा क्षेत्र में किशोरी बदहवास हालत में मिली थी। इस वारदात ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी थी। पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए थे। पुलिस ने तत्कालीन इलाज के लिए किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। परिवार के लोगों की तहरीर के आधार पर और सर्विलांस की टीम के माध्यम से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने संतोष और गणेश को गिरफ्तार किया है। बाइक भी बरामद कर ली है। एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। परिवार के लोग चाहते हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए। पुलिस का कहना है जांच पड़ताल के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। किसी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अपने साथी अखिलेश दुबे और इंद्रजीत सिंह के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।